शर्मा आप देख रहे हैं स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं राकेश टिकैत से किसानों के नेता राकेश टिकैत जो ये साफ नहीं कर पा रहे हैं कि आखिरकार वो जाए तो किसके साथ जाए उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों ने किसी ना किसी एक पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है लेकिन ऐसे में बहुत बड़ी नजर राकेश टिकैत पर जी हाँ एक बयान के बारे में हम आप, बताएंगे राकेश टिकैत के उस बयान के बारे में जिसमें उन्होंने बीजेपी से गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहा था इसके साथ ही यह भी देखा जा रहा है क्या राकेश टिकैत बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं और अगर राकेश टिकैत बीजेपी से हाथ मिलाएंगे तो खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे इसका क्या फर्क पड़ेगा दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो पूरा किसानों का

पार्टी पर निशाना नहीं साध रहे किसी राजनीतिक पार्टी को घेर नहीं रहे लेकिन कुछ समय पहले राकेश टिकैत से जब पूछा गया क्या वो से कर सकते हैं? क्या वो मिलना चाहती है तो वो स्वागत करते हैं यानी कि सीधे तौर पर राकेश टिकैत ने कहा अगर बीजेपी को जरूरत पड़ती है तो वो उनसे हाथ मिला सकते और अगर राकेश टिकैत बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं तो बहुत बड़े स्तर पर बदलती तस्वीर नजर आएगी बहुत बड़े स्तर पर बदलाव होगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटर्स का रुख बीजेपी की तरफ हो सकता है चलिए कुछ रिपोर्ट है हम आपको दिखाते हैं जिसमें यह माना जा रहा है कि राकेश टिकैत का रुख क्या है और कैसे बीजेपी से वो जुड़ते नजर आ देखिए ये रिपोर्ट किसानों के नेता राकेश टिकैत जो अभी तक खामोश बैठे थे लेकिन जैसा भी वो देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल बदल रहा है उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से देखते हुए कहीं किसी न किसी के साथ गठबंधन किया है लेकिन इस बीच राकेश टिकैत बहुत सावधानी से काम कर रहे हैं राकेश टिकैत किसी भी पार्टी के खिलाफ बोलते नज़र नहीं आ रहे किसी भी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ बोलकर दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते लेकिन ये माना जा रहा है कि बीते कुछ समय पहले राकेश टिकैत से जब बीजेपी से गठबंधन को लेकर सवाल पूछा गया था तो बहुत ही समझदारी से राकेश टिकैत ने इसका जवाब दिया राकेश टिकैत ने कहा कि वो शुरू से सबके साथ ही खड़े हैं वो चाहते हैं कि किसानों का विकास हो किसानों की जो तकलीफें हैं जो परेशानियां हैं वो दूर होती नजर आई लेकिन सवाल जब पूछा जाता है क्या वो बीजेपी से गठबंधन करेंगे राकेश टिकैत ने कहा उनके दरवाजे खुले हुए हैं अगर कोई उनके साथ हाथ मिलाना चाहता है तो वो जरूर हाथ मिलाएंगे हालांकि कुछ समय पहले एक तस्वीर निकल कर सामने जिसमें देखने को मिला कि संजय राउत अचानक राकेश के घर पहुंचते हैं, जहां पर संजय राउत उन्हें एक पगड़ी पहनाते हैं और संजय राउत और राकेश टिकैत के बीच बातचीत भी होती है खाना पीना होता है लेकिन बात नहीं बन पाती क्योंकि राकेश टिकैत देख रहे हैं कि किसके साथ गठबंधन करना चाहिए किसके साथ गठबंधन करके उन्हें फ़ायदा मिल पाएगा और किसके साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए मौजूदा समय में देखा जा रहा है कि राकेश टिकैत की जो नज़र है वो तमाम राजनीतिक पार्टियों पर बनी है लेकिन वो ये बात जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो सेंट्रल में भी है तो ऐसे में बीजेपी से दुश्मनी मोल लेकर राकेश टिकैत खतरा मोल नहीं लेना चाहते माना तो यहां तक जा रहा है कि राकेश टिकैत आने वाले समय में अगर बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर ख़ास तौर पर असर पड़ेगा क्योंकि किसान आंदोलन के समय ज्यादातर जो किसान थे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आए थे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का रुख अगर बीजेपी के साथ होता है तो वोटों की संख्या बढ़ती नजर आएगी यूपी चुनाव से पहले बीजेपी को कमजोर करने की कोशिश समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने जिस तरह की स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे तमाम कई बड़े नेताओं को अपने साथ अपनी पार्टी में ले गए इसका बड़ा असर देखने को मिला मौर्य समाज के वोट टूटते नजर आए लेकिन बीजेपी भी कुछ कम नहीं है बीजेपी ने भी बता दिया कि अगर अखिलेश दो कदम आगे बढ़ाएंगे तो हम चार कदम आगे बढ़ा सकते हैं बीजेपी ने सीधा एक बड़ा वार किया और अपर्णा यादव को अपने साथ ले गए यानी कि अपर्णा यादव को बीजेपी में शामिल करवा दिया और ऐसे में मुलायम परिवार टूटता नजर आया और अखिलेश यादव के सामने कई सवाल खड़े होते नजर आए हालांकि अखिलेश यादव के सामने चुनौतियां ये भी हैं कि एक तरफ वो परिवार के झगड़े को नहीं सुलझा पा रहे दूसरी तरफ पर्दे के सामने जो जनता है जो राजनीतिक पार्टी के नेता है उनके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे अब देखना यह होगा कि इस साइकिल पर सवार होकर सत्ता तक पहुंचने की कोशिश अखिलेश यादव ने जो की थी क्या उनका सपना पूरा हो पाएगा क्योंकि चुनाव से पहले अखिलेश यादव की साइकिल बीच में गड़बड़ा गई है साइकिल आगे नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि बीजेपी ने रास्ता रोक दिया है अखिलेश कोशिश तो बहुत कर रहे थे अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सत्ता पे बैठने का सपना देख लिया था मुख्यमंत्री बनते हुए खुद को देख रहे थे लेकिन अचानक बीजेपी ने जो तीन चाल चली हैं बीजेपी ने अचानक जिस तरह से साम दाम भेद की रणनीति अपनाई है अखिलेश ने अपने पैर पीछे करने सही समझे अखिलेश यादव अभी ये देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से और क्या रणनीति बनाई जाएगी लेकिन बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जिस तरह से काम कर रहे हैं जिस तरह की रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं इसका साफ मतलब यह है कि वाकई बहुत बड़े स्तर पर बदलाव हो सकता है बहुत बड़े स्तर पर चीज़ों में बदलाव होता नज़र आएगा क्योंकि मौजूदा समय के अंदर ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से आज बीजेपी जे पी में बड़े बेफेरबल हो रहे हैं पार्टी आला कमान की लगातार बैठकें चल रही हैं जिस तरह से पार्टी में लगातार एक के बाद एक कई बदलाव हो रहे हैं इसका साफ सीधा मतलब ये है कि वाकई इस बार बदलाव तो होना तय है क्योंकि बीजेपी की लगातार कोर कमेटी की जो बैठक चल रही है और बहुत सोच समझकर पार्टी ने जो पहले लिस्ट जारी की जिसमें उम्मीदवारों का नाम सोच समझ कर उतारा गया और ख़ास बात रही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिन्हें गोरखपुर शहर सीट से चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया यानी कि पार्टी ये देख रही है कि कहाँ पर किसका वर्चस्व है किस कैंडिडेट को कहाँ खड़ा करना चाहिए इसको ध्यान में रखते हुए पार्टी काम कर रही है माना यह जा रहा है कि बीजेपी की रणनीति जिस तरह से देखी जा रही है उसे देख अखिलेश भी हैरान है क्योंकि अखिलेश बहुत ज़्यादा खुश होते नजर आ रहे थे अखिलेश बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे उन्होंने ये मान लिया था कि इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से हार जाएगी लेकिन बीजेपी की रणनीतियाँ अखिलेश भूल गए अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव जो सपना देख रहे हैं वो पूरा हो पाएगा हालांकि मौजूदा समय में जिस तरह की बीजेपी की रणनीतियां हैं जिस तरह से पार्टी काम करती नजर आ रही है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद अखिलेश का और किसी राजनीतिक पार्टी का भी सपना पूरा नहीं हो पाएगा लेकिन इस चुनाव में यह देखना जरूर होगा कि कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी है क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज जिस तरह उत्तर प्रदेश में काम कर रही है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि पार्टी को बड़ा वोट मिल सकता है जनता का बड़ा समर्थन मिल सकता है और पार्टी दूसरे पायदान पर आती नजर आएगी अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस दूसरे पायदान पर आ जाती है तो इसका बहुत बड़ा क्रेडिट प्रियंका ही गांधी को दिया जाएगा क्योंकि प्रियंका गांधी ने शुरुआत ही की है और प्रियंका गांधी की शुरुआत का असर है कि आज उत्तर प्रदेश में लगातार बड़े स्तर पर बदलाव हो रहे हैं आज उत्तर प्रदेश में लगा लगातार चीज़ें बदलती नजर आ रही हैं और जिस तरह से चीज़ों में बदलाव हो रहा है उसका साफ सीधा मतलब ये है कि वाकई कहीं ना कहीं अब फर्क पड़ना शुरू हो गया है और प्रियंका की रणनीतियाँ काम कर रही हैं देखा आपने हमारी एक खास रिपोर्ट जिसमें हमने विस्तार से जानकारी बताई दरअसल ये देखा जा रहा है कि कुछ समय पहले राकेश टिकैत जो कांग्रेस के साथ जुड़ते नजर आते रहे दरअसल क्या है कांग्रेस पार्टी ने शुरू से किसान आंदोलन का समर्थन किया किसानों का समर्थन किया बहुत बड़े हद तक ये देखा गया कि जिस तरह से राकेश टिकैत किसानों का समर्थन करते चले आ रहे थे कांग्रेस का समर्थन करते चले आ रहे थे तो ऐसे में कयास लगाए जाने शुरू हो गए कि शायद राकेश टिकैत कांग्रेस से हाथ मिला सकते हैं शायद राकेश टिकैत जो है वो कांग्रेस से जुड़ सकते हैं लेकिन बहुत बड़े स्तर पर क्या देखा जा लगा ये शुरुआत हो गई कि राकेश धीरे-धीरे कांग्रेस से दूर होते चले गए। लेकिन राकेश टिकैत बहुत समझदारी से काम कर रहे देखिए किसी राजनीतिक पार्टी को घेर नहीं रहे किसी राजनीतिक पार्टी पर निशाना नहीं साधे हाँ ये जरूर कह रहे हैं कि आने वाले समय में यहां आंदोलन कर सकते हैं, वहां आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन राकेश टिकैत ये बात जानते हैं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ बोलेंगे तो नुकसान उनको उस, उनको हो सकता है क्योंकि तो कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आएगी यह कह पाना बहुत मुश्किल है फिलहाल बीजेपी की बात करें तो सेंट्रल में भी सरकार है उत्तर प्रदेश में भी है तो राकेश टिकैत कुछ ऐसा बोलकर खतरा मोल नहीं लेना चाहते तो राकेश टिकैत बहुत सोच समझ कर काम कर रहे हैं राकेश टिकैत बहुत समझदारी से काम करते नजर आ रहे हैं जिसका साफ और सीधा सियासी संकेत यह माना जा रहा है कि राकेश टिकैत कांग्रेस से नहीं बल्कि बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं और बीजेपी से हाथ मिलाएंगे तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो वोट है वो बीजेपी के साथ जुड़ता नजर आएगा जिसका फायदा योगी आदित्यनाथ को होगा चलिए आज के लिए इतना हैं आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी तब तक ले जा दीजिए नमस्कार